ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बताया क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो तब ऑब्वियस है कि इंटरसेक्शन जो है बेटा वो क्या होती है कि फाई होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑब्वियस है ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं ना एक आपको सेट थ्योरी का रिकॉल कर दूं सारा कि कैसे हमारे पास होता है। जैसे ये दो सेट्स है ए एंड बी, ठीक है, आपको पता है कि ये चीज क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी होती है ना, और ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, इतना पार्ट, सिर्फ इतना। यहां तक ये क्या होता है, बी माइनस ए, बी बट नॉट, यानी ये जो सारी यूनियन ए यूनियन बी, हम इसको पूरा ब्रेक करते हैं, ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस ए, फिर प्लस मेरे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जस्ट मैंने सेट थ्योरी का आपको एक रिकॉल दिया हुआ है। ठीक है, अगर अब मैंने इवेंट्स में अगर मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि मुझे कहाँ है प्रोबेबिलिटी नॉट ए की कैलकुलेट करो, इवेंट में तो नॉट ए में मतलब आप कहते थे कि यूनिवर्सल सेट में से या सैंपल्स में से ए निकाल दो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपने किया हुआ है 10th में सब कुछ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक्सरसाइज जो है टोटली 10th पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम करेंगे इन एक्सरसाइज 13.3। लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट फॉर प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, कौन सी नहीं हो सकती। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सबको पता है। ठीक है, अगर किसी भी एक इवेंट जो कि सैंपल स्पेस से लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको शो की है कि वो नेगेटिव है, तो दैट सैंपल स्पेस इज नॉट पॉसिबल, वो इवेंट ही पॉसिबल नहीं है, वो सैंपल स्पेस भी पॉसिबल। फिर अगर सारे इवेंट्स जो एक सैंपल स्पेस में दिए थे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें और ऐड करें, अगर वो वन से ज्यादा हो जाती है तो तब भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, तो अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर वन में, आप देखिए आपको असाइनमेंट दी हुई है ए बी सी डी ई, दैट इज गिवन टू यू। ओके, अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल हुआ सबको? ठीक है, नहीं तो आपके पास बुक्स है आप देख सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखिए, अगर मैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं और चेक कीजिए कि अगर वो वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, लेकिन अगर वो वन से कम है तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। अच्छा, अगर कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी है, अगर आप डी सेक्शन डी पार्ट देखो असाइनमेंट का, इसमें W5 जो है वो -2.0.2 दिया है, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, तो दैट मींस डी वाली असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। समझ आ गई? ठीक है, और कोई जो देखते ही पता चल जाए, मुझे लास्ट वाली असाइनमेंट भी पता चल रही है, लास्ट ही देखो 15/14, वहीं पे वन से ज्यादा है, अरे बाकी ऐड करूंगी तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मींस डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर वो वन या वन से मतलब सॉरी वन तो नहीं, अगर वन से ज्यादा है तो आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नेगेटिव है तब भी वो पॉसिबल नहीं है। चलिए लेट अस डू द क्वेश्चन सेकंड। ये सारा आपने ऑलरेडी बेटा 10th क्लास में किया हुआ है, जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन 2 बार थ्रो किया गया,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर, कैसे करते थे 10th क्लास में हम, टू टाइम्स किया तो पहले तो हम आउटकम्स लिखे ना, ये लीजिए, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बन गई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये बना। ओके बेटा, अब मेरे पास जो है उसने कहा कम से कम एक टेल आना चाहिए, यानी इवेंट मैंने ई ले लिया, लिखना है लेट ई विद द इवेंट दैट एट लीस्ट वन टेल अकर, यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, तो अब इवेंट में वन टेल मतलब एटलीस्ट वन टेल, यही तीन ऑप्शंस आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होगा, वन टू थ्री बाय टोटल कितनी, फोर। ओके बेटा, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरे पास है अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। चलिए अब आप सब कीजिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी, वेरी इजी। स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है असीस मेरा बेटा बताओ क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। चलो असीस बेटा, अगर एक डाइस को थ्रो करें तो व्हाट विल बी द आउटकम, जल्दी क्या क्या हो सकता है असीस, अनम्यूट योरसेल्फ। वेट, मैंने सबको अलाउ कर दिया है ना, तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ ये क्वेश्चंस। चलिए मुझे असीस आंसर देगी सबसे पहले, असीस जल्दी जल्दी बेटा अनम्यूट करो। यस यस मैम। हाँ मेरे को बताओ बेटा, जब डाइस थ्रो किया जाए तो आउटकम क्या हो सकते हैं हमारे पास। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वेरी गुड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेरे पास जो है। अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि मेरे पास जो है अगर क्या हो यहाँ पर कि प्राइम नंबर विल अपीयर तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास, जल्दी अगर प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। यस अबे अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड अबे। मैम 3/6 मतलब 1/2 होएगी प्रोबेबिलिटी, 1/2 बिल्कुल करेक्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हिमांशु, चलिए जल्दी, द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। यस हिमांशु, व्हाट इज 4/6, 4/6 बिल्कुल करेक्ट बेटा, अगर किसी को डाउट लगे तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। बिल्कुल दिव्यांशी, ऐसे ही कट्टे नहीं बोलोगे, मैं जिसका नेम लूंगी, ठीक है ना, 1/6 बिल्कुल दिव्यांशी करेक्ट। अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, यस समृद्धि, यस समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ, समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चलिए जतिन आप बताइए बेटा, जीरो। Yes, क्योंकि अ नंबर मोर देन 6 आ ही नहीं सकता डाइस पे ना, तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो 0/6 आंसर इज 0, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, यस बाकी बच्चों ने भी, युवराज, यस बेटा युवराज बताइए, वेरी गुड मैम 1। ओ बेटा 1 कैसे युवराज, ध्यान लेस देन 6, लेस देन 6 में 6 थोड़ा काउंट करेंगे, 5/6, 5/6, वेरी गुड युवराज। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस रीड द क्वेश्चन, आप ही बताओगे, इतना तो इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और सारे पार्टिसिपेट करें बेटा, जपन जोत, हर्षवर्धन, गुरसीरत, है ना, अब गुरसीरत बताएगा मेरे को क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैंपल स्पेस, पॉइंट्स का मतलब कितने एलिमेंट्स है। चलो गुरसीरत अनम्यूट करो बेटा अपने आप को जल्दी जल्दी। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर अ पैक ऑफ कार्ड्स जो है आर अवेलेबल देयर एंड वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैंपल स्पेस, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे गुरसीरत, 52 कार्ड्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे,
मैम 52 यस बिल्कुल जितनी चीजें होती हैं उतने ही सैंपल पॉइंट्स होते हैं ठीक है और गुरसीरत नेक्स्ट बताइए कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड जो कार्ड है वो एस ऑफ स्पेड है 1 out of 52 वेरी गुड 1/52 बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट चपन जोत इट्स योर टर्न जल्दी जल्दी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एन एस मैम 1/13 1/13 कैसे हुआ मैम एस टू गए 4 4/52 देन 1 बिल्कुल करेक्ट बेटा 4/52 दैट इज 1/13 बिल्कुल करेक्ट है ये सारा 10th का काम है जो आप पढ़ के आए हो वेरी इजी एक्सरसाइज देन द ब्लैक कार्ड्स नेक्स्ट टर्न हर्षवर्धन बेटा हर्षवर्धन मैम 1/2 1/2 कैसे आया हर्षवर्धन 1/2 26/53 बिल्कुल 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 वृति नाउ इट्स योर टर्न बेटा वृति अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम नेक्स्ट मुझे बताइए अ फेयर कॉइन विद वन मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क्ड ऑन अदर एंड अ फेयर डाइज आर टॉस्ड Find the probability that the sum of number turns up is 312. क्या probability है कि जो sum आए वो 3 आए या next है वो 12 आए. अब एक coin और एक twice, sorry एक dice जो है हमने इकट्ठा throw किया है. लेकिन coin के ऊपर ना head tail नहीं है. हमारे पास पता क्या है? कि क्वाइन के ऊपर जो है मेरे पास जो है एक जगह 1 लिखा हुआ है और दूसरी जगह पे 6 लिखा हुआ है ठीक है तो डाइस दूसरी बार फेंका अब जब डाइस फेंका तो 1 के साथ सारे नंबर आएंगे 1 के साथ 1 भी आएगा 1 के साथ 2 भी आएगा 1 के साथ 3 भी आएगा 1 के साथ 4 भी आएगा 1 के साथ 5 भी आएगा 1 के साथ 6 भी आएगा दूसरा अगर दूसरी साइड पे क्वाइन के साथ पास 6 है तो सारे नंबर्स आएंगे ना 6 के साथ 2 1 3 4 देन 5 देन 6 अब वृत्ति मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया बेटा अब आप मुझे बताइए इसका आंसर वृत्ति टेल मी द आंसर बेटा 12 हां जी 1/12 वेरी गुड सेकंड पार्ट का बेटा उसका भी 1/12 कैसे आया उसका 1/12 6 सम चाहिए तो कौन 12 सम चाहिए तो कौन सी ऑप्शन आपके पास फेवरेबल है मैम 6.6 वेरी गुड 6.6 दैट इज 1 इज फेवरेबल एंड टोटल इज 12 क्योंकि मैंने 1 के साथ 6 और 6 के साथ आगे 6 ऑप्शंस बनाई हैं तो 12 टोटल है तो 1/12 दैट इज आंसर वेरी गुड वृति नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन Okay, there are 4 men and 6 women on a city council. Okay, if one council member is selected from the committee at random, how likely is it that it is a woman? कैसे पता चलता है कि ये woman है? अच्छा अभी आप बताइए उसकी probability. Ma'am, 6/10 होगी क्योंकि total 10 होंगे members और 6 women है. बिल्कुल अच्छा यहाँ हम डायरेक्टली अभी तक 10th में हमने हमेशा डायरेक्टली किया बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि हम 1 ही चीज सिलेक्ट करते हैं कल को जब एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करनी पड़ जाए ना मैंने 2 वुमेन्स लेनी है 6 में से अब मुझे नहीं पता वो फर्स्ट सेकंड ठीक है सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कितने वेज आ जाते हैं ना जब वो इतने सारे वेज आते हैं ना देन वी कैन यूज और टेक द हेल्प ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ठीक है मतलब इसको हम 2 वे से लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन की आपने कहा 6/10 बिल्कुल करेक्ट है आगे आने वाले क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा क्योंकि वुमेन तो एक ही सिलेक्ट करनी थी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6C1/10C1 अगर मैं आपको कहती ना कि 2 वुमेन्स निकालो मैंने कमेटी में 2 वुमेन्स सिलेक्ट करनी है
तो मैं करती 6c2/10c2। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बताया। अब वो जो मेन और वुमेन या दो वुमेन दो मेन किसी तरह भी हो सकता है, तो वो मुझे कमेटी तो कमेटी ही है ना, तो नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं उसमें। ओके बेटा क्लियर, ये बात सबको समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई तो आगे प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं रह गया कि कैसे पता चलता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करते व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट मोर देन वन थिंग। ओके सबको समझ आ गया, युवराज वृत्ति समृद्धि सबको समझ आ गया, अमृतपाल ध्रुव अग्रवाल प्रगति। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। ठीक है बेटा, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times। ठीक है, अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लॉस 1.5 यानी 1.5 जो है 1.5 रुपया जो आप कहते हो फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। अब उसने कहा फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी जो है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 tosses एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज जो है अमाउंट्स, और मतलब क्या क्या अमाउंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सारा सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। अब 4 coins टॉस किए ना, बाद में फिर हम देखेंगे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टेल्स पे जाएंगे, अगर एक टेल है तो 3 heads है, 2 tails है ना तो 2 heads होंगे, फिर मेरे पास हो गए 3 अगर टेल्स है तो 1 head होगा, 4 के 4 tails है तो मेरे पास जो है कोई हेड नहीं है, यही मेरे पास कॉन्सेप्ट है ना। तो सबसे पहले तो जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास जो है मैंने मनी का जो देखना है मैंने डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 tosses तो उसमें तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ टॉसेस यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स लिख दे और नंबर ऑफ हेड्स लिख दे, ठीक है जी, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अब कैसे अमाउंट निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ टेल 1 है, 0 से स्टार्ट करते, ठीक है, तो हेड 4 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 4 × 1 आंसर इज 4 रुपीज 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ टेल्स 1 है तो ये 3 होंगे, तो अब मेरे को टेल वाले माइनस करना है 1.5 और हेड वाला प्लस होता है, तो मैंने माइनस 1 × 1.50 + 3 × 1। अब 3 − 1.5 मुझे पता है ₹1.50। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टेल्स आपके पास कितने हैं, 2 है तो 2 heads होंगे। अब देख लीजिए 2 में से 3 माइनस करना लॉस होगा ना, 3 क्यों करना, क्योंकि 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 बनता, तो 2 अब मैं सीधा ही लिख रही हूँ, 2 − 3 ₹-1 यानी ये लॉस है, इसको देना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मेरे पास जो है ये 3 और ये 1, अब मैं 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 point, ये माइनस हो तो दिस इज -3.1 है ना, क्लियर। अब अगला ये 4 और 0 यानी -4 × 1.5 तो कितने हो जाएंगे ₹6 विद नेगेटिव साइन, यानी अगर मैं वैल्यूज देखूं कौन कौन सी, एक 4, 1.5, -1, -3.5 और -6। समझ आई बेटा बात सबको, ठीक है जी। ये मेरे पास जो पहला उसने क्वेश्चन पूछा था कि सैंपल स्पेस में कौन से 4 different जो है वो अमाउंट आएंगे, है ना, तो उन्होंने ये लिखे थे मेरे पास और मैंने वो चेक कर लिए, तो मेरे पास
जो अमाउंट आया बेटा वो दैट इज मैंने आपको टेबल में मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि मेरे पास जो है क्या क्या, अच्छा वैसे रुपीस कभी नेगेटिव नहीं ना होता, तो आप जब ये नेगेटिव शो कर रहे हो तो आपने लिखना रुपीस 6 लॉस, ओके, रुपीस 3.5 लॉस, रुपीस 1 लॉस। लेकिन अगर पॉजिटिव है 1.50 दैट इज गेन, 4 इज गेन, ठीक है बेटा जी, क्योंकि हम मनी को नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे शो नहीं कर सकते, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगर देखूं कि मैंने देखना है कि सबके प्रोबेबिलिटी निकालनी, सबसे बड़ी बात है मुझे तो ये पता होना चाहिए टोटल केसेस मेरे पास जो है वो कितने बनते हैं, आई हैव टू चेक इट ना कि टोटल कितने केसेस है। वैसे आपको ये पता है कि अगर हम 4 टाइम्स किसी कॉइन को फेंकते हैं ना, पहली बार में 2 केसेस, फिर 2, फिर 2, फिर 2, टोटल 16 केसेस हैं मेरे पास। आप डायग्राम भी बना के, ट्री डायग्राम बना के कर सकते हैं। अब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें गेन 4 रुपीज का होगा, एक ही केस है, क्योंकि 0 टेल्स और 4 हेड एक ही केस में आता है, एच 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 एच। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी मैं यहां पर बना देती हूँ, प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 1/60। अब अगले में देखना, नंबर ऑफ टेल्स 1 रहे और हेड 3 रहे, तो कितने केसेस हो सकते हैं, ये देखिए, टी एच एच एच, फिर एच टी एच एच, एच एच टी एच, एच 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 टी, 4 केसेस होते हैं ना, क्योंकि ये 1 वाला मूव करता है हर एक प्लेस में, तो अपने आप ये 4/16, क्योंकि वो इस रुपीज की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही अब 2 टेल्स 2 हेड, वो कैसे हो सकती है, आप बना सकते हो आराम से कि 2 टेल्स एंड 2 हेड, इसको मूव कर दो, ठीक है, एक एच टी एच, दो दो को ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, फिर 2 एच इधर, टेल इधर, सारे केसेस लिख लीजिए, ऐसे ही इसके सारे केसेस आप डिस्कस करके उनकी प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते, समझ आई बेटा। तो मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी 4 विनिंग के 1/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.5 जो है वो 1/4 कटिंग करके, ठीक है, और अगर मैं देखूं लॉसिंग्स जो है 1 रुपी, उसके जो केसेस सारे कैलकुलेट करोगे तो 6 केस बनेंगे, मैंने अभी 4 ही शो किए हैं, ओके, तो वो 6 केसेस 6/16 कटिंग कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ऐसे ही बाकी केसेस, क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, सबको बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, 3 कॉइंस हैं टॉस्ड वंस, अब 3 हेड एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब पता है ना, उसे बाद वाले सारे ले, एटलीस्ट का मतलब उससे आगे वाले सारे ले, ठीक है। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, लेट अस सी 9th क्वेश्चन, इफ 2/11 जो है मेरी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, ए की, तो नॉट ए की कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 2/11, तो बेटा प्रोबेबिलिटी नॉट ए की क्या होगी, 1-2/11, 9/11, बस काम खत्म। ये सारी एक्सरसाइज 10th क्लास पर बेस्ड है, ओके बेटा, क्लियर। आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से ही असेसमेंट बनेगी, और हम लोग बाकी आपका होमवर्क जो है टिल 15th क्वेश्चन, ओके, यू हैव टू डू टिल 15, और उसके बाद बेटा मैं आपको करवाऊंगी
15 से आगे, क्योंकि वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज वी विल डू, क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, 15 तक कर रहे। अब मैं आगे आपको करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है, क्योंकि 15 तक आपका होमवर्क है। लेट अस डू जो है क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। इफ ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे पास ई एंड एफ दैट इज 1/8। मुझे फर्स्ट पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ई और एफ की कैलकुलेट कीजिए, सेकेंड पार्ट में मुझे कहा गया है प्रोबेबिलिटी नॉट एफ, ठीक है, एंड नॉट ई की, ये मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को कहा। अब ध्यान से देखना, अभी ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा, ठीक, जो मैंने डिस्कस किया। अब अगर देखिए, सबसे पहले आपको तो और का मतलब पता होना चाहिए। और का मीनिंग क्या है, और का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए। मैम यूनियन। यूनियन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, यूनियन। तो दैट मींस आई नीड टू कैलकुलेट इन द फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मुझे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज माइनस, अब एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो वो दैट इज 1/8 माइनस 1/8। दिस इज माय आंसर, सॉल्व इट एंड गिव योर आंसर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, नॉट ई एंड नॉट एफ, व्हाट डज इट मींस, कि जब हम नॉट को बाहर लेते हैं ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये डैश, नॉट का मतलब डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब ये नॉट को जब आप कंबाइन करते हो बाहर, तो बेटा इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, यूनियन विल चेंज इनटू इंटरसेक्शन। तो दैट मींस मेरे पास यहाँ पर बेटा क्या रह गया, व्हाट इज लेफ्ट विद मी इफ आई टेक यूनियन, सॉरी नॉट कॉमन। अब अगर इस नॉट को हटाना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब 1 माइनस ई यूनियन एफ हमने यहां निकाला है, वो वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये सारा सेट थ्योरी में हमने किया हुआ कि ऐसे जो नॉट कॉमन लेते हैं तो इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन, यूनियन विल चेंज इनटू इंटरसेक्शन। ये बहुत पता होना जरूरी है। ओके, नाउ लेट अस डू, उन्होंने, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 था आपको करवा दिया है 16 की बजाय, है ना। तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोई बात नहीं, ठीक है। इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट, मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी नॉट ई की दी हुई है और नॉट एफ की, ओके, दैट इज गिवन टू मी 0.25। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। मुझे ये चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, अगर मैं एक काम है, मैं वैसे और तरीके से भी कर सकती हूँ, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को प्रूव करने के लिए या तो मैं इंटरसेक्शन जीरो के इक्वल प्रूव कर दू, ठीक है ना, मेरा हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं यहां से हम कंक्लूड पे क्या रिजल्ट हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। अब नॉट ई नॉट एफ और है मतलब यूनियन, ठीक है। अब मैं ये नॉट कॉमन लू, ये आ गया, ये मुझे किसके इक्वल है 0.25। ओके, अब मैंने ये नॉट हटाना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.25, ये इधर ले आओ ये उधर ले जाओ, तो ये 0.75 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास ये आई है,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट इज 0. जो है मेरे पास 75 आई है ना, तो ऑब्वियस है नॉट इक्वल टू जीरो. तो दैट मीन्स ये इवेंट्स क्या हुए, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी, वी विल डिस्कस नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम 17, ठीक है, इन द क्लास. ठीक है, नाउ द क्लास इज ओवर बेटा, ट्राई टू डू योर असाइनमेंट. क्लियर?